परी यानी राजनीति की शादी इस साल की मोस्ट अवेटेड वेडिंग्स में से एक है। कपल 24 सितंबर को उदयपुर में शादी करने वाला है। हालांकि परिणीति और राघव की शादी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आ रही है, सीक्रेट रखी जा रही है। थोड़ी थोड़ी जानकारियां जो सामने आ रही है उसके हिसाब से हम आपको खबरें बता रहे हैं। चर्चा ये हो रही है कि अपनी कजन सिस्टर परिणीति की शादी के लिए ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा कब भारत आएंगी। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रियंका 23 सितंबर को इंडिया आएंगी और शादी के समारोह में हिस्सा लेने सीधा उदयपुर के लिए रवाना होंगी। इससे पहले प्रियंका परी और राघव की सगाई में जो की दिल्ली में हुई थी वहां भी वो शामिल हुई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि निक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी साली साहिबा की शादी में आ सके, शामिल हो सके, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्केड्यूल में बदलाव हो पाए, लेकिन वर्क कमिटमेंट की वजह से हो सकता है कि वो इसे मिस कर दें। इसके अलावा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्रियंका लास्ट मोमेंट पर शादी में पहुंचेंगी। हालांकि प्रियंका अभी इंडिया में नहीं है, शादी से दूर है, लेकिन तैयारियों में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो प्रियंका की लाडली मालती भी अपनी मौसी की शादी में मां के साथ आएंगी। इन सब के बीच परी और राघव की शादी के तमाम फंक्शंस को लेकर हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब इनकी वेडिंग थीम के बारे में बात सामने आई है। वेडिंग थीम इनकी नॉस्टैल्जिया होगी। जो संगीत का फंक्शन है उसमें 90s के म्यूजिक रखे जाएंगे। खाने पीने की बात करें तो मेन्यू में ज़्यादातर पंजाबी खाना होगा क्योंकि दोनों ही पंजाबी हैं। चूँकि शादी उदयपुर से हो रही है तो जो लोकल राजस्थानी डिशेज होती हैं वो भी होने की पूरी संभावना है। और राघव दुल्हनिया के लिए वेन्यू पर घोड़े से नहीं बल्कि शाही नाव से जाएंगे, ये खबर भी सामने आ रही है। आप कितने एक्साइटेड हैं राजनीति की शादी को लेकर, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।